सो हेलो हिप हॉप के दीवानों, कैसे हो भाई हूँ आप सब। आज शुरू करते हैं बेला से। तो जो लोग किसी भी गाने को मिड बोल देते हैं, शायद उनके लिए बेला ने एक स्टोरी शेयर करी। बेला ने कहा है, कोई भी गाना मिड, लो या हाई नहीं होता। गाना बस एक फीलिंग होती है। फील करो, ग्रो अप एंड एजुकेट योर सेल्फ। अच्छा लगे सुन, वरना मूव ऑन। देर इज अ लॉट ऑफ स्टफ टू एक्सप्लोर ऑन यूट्यूब। आज आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि महीने की एक तारीख है आज, तो हर बार की तरह महीने की पहली तारीख को इंडियन डेंटिस्ट रैपर AKB का ट्रैक आउट हो चुका है। गाने का नाम है स्केरी लव। मैं आपको गाने का एक छोटा सा पार्ट यहाँ सुना देता हूँ। So yes, वो इतनी कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। तो आप लोग भी गाना सुन लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बढ़ते हैं आगे। तो एबी वायरल एंड हसल 2 के कंटेस्टेंट रह चुके श्लोविच का कोलैब आया है, जिसके स्टार्टिंग में उन्होंने काइंड ऑफ एक मीम शेयर करा है बादशाह पे शॉर्ट्स लेते हुए। बेसिकली श्लोविच हसल 2 से जिस दिन एलिमिनेट हुए थे, उस दिन बादशाह ने उनसे कहा था कि अगर मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे बता दियो, बस तुझे मेरी कसम। देन वो मीम में एबी वायरल ने ये दिखाया है कि बादशाह के ऐसा बोलने के बाद उनको कॉल करते हैं तो वो उठाते नहीं है, बट श्लोविच जिनको दिक्कत होनी चाहिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। श्लोविच का कहना है कि उनको इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है, अगर उनको कुछ बोलना होगा तो वो खुद बोलेंगे, तो इसमें उनका नाम कनेक्ट मत करें। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, बादशाह और रफ्तार पे तो काफी बड़े एलिगेशन लगा दिए हैं। बेसिकली 4 साल पहले शाहरुख खान का एक गाना आया था करो मतदान, जिसकी लिरिक्स एबी वायरल की थी। तो एबी वायरल ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये कहा है कि रफ्तार ने भी गाना बनाया था शाहरुख के लिए, बट फिर शाहरुख खान ने एबी वायरल का ट्रैक चूज करा और फिर रफ्तार और बादशाह ने जेलेसी में एबी वायरल की डील्स और कोलैब्स रुकवा दिए। ऐसे ही कुछ कहा है, मैं आपको थोड़ा सा पार्ट सुना देता हूँ। शाहरुख खान के लिए रैप लिखना था, तीनों को बोला, मेरे को बोला भुवन, एक भुवन बाम भी थे उस टाइम, भुवन बाम को बोला, मेरे को बोला, रफ्तार को बोला, बादशाह को बोला। फिर बाद में हम सब में से रफ्तार और मेरा चूज किया शाहरुख खान ने कि इन दोनों को बोलो रिवर्क करेंगे। तार का थोड़ा ज्यादा हार्डकोर था, फिर हम लोगों ने रिवर्क किया, देन शाहरुख खान ने मेरा वाला चूज किया, रफ्तार का हटा दिया। इस बात से भाई इन लोगों को इतनी खुंदस हुई मेरे पे कि एबी आगे ना बढ़ जाए, कुछ एबी को मिल ना जाए। होता क्या कि हमारी सारी ब्रांड डील्स वही एजेंसी करती थी, जैसे मेरे पास 5 ब्रांड कोलैबोरेशन आ रही है, रफ्तार के पास भी 5 ब्रांड कोलैबोरेशन आ रही है, तो एक ही एजेंसी सारी डील मतलब सबसे बात कर रही है, आर्टिस्ट डायरेक्ट नहीं बात करते ना। इस खुंदस में आके उन्होंने मेरी सारी कोलैबोरेशन खराब कर दी भाई, इन दोनों ने मिलकर, रफ्तार और बादशाह, मैं भी शायद बादशाह इन्वॉल्व ना हो, बट रफ्तार भाई तो मेरे को लग रहा है पूरा इन्वॉल्व है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो रफ्तार ने एक मीम शेयर करा है जिसमें अगर कोई अपने फेवरेट आर्टिस्ट से बोलता है भाई आपके गाने क्यों नहीं आ रहे, तो आर्टिस्ट का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, थोड़ा क्या हो गया था, थोड़ा मैं काम में ऐसा बिजी हो गया था ना, थोड़ा बिजी हो गया था, वो भी सब लोगों के सामने आ जाएगा मैं कौन से काम में बिजी होएगा वो पता चल। वो भी सच में यही बोलते हैं, मैंने जितनी बार भी उनसे पूछा है। नेक्स्ट अपडेट, रॉप्सी ने बादशाह के ट्रैक जियान का रिमिक्स बनाया है। तो एक भाई ने कमेंट करा, क्या भाई पार्टी बदल दिया। तो रॉप्सी ने कहा है, भाई बीट हार्ड है, आई डिडंट थिंक मच एंड आई कुडंट रेजिस्ट ईदर, डिड इट फॉर द लव ऑफ रैप, नो साइड्स नथिंग ब्रो। तो बस यार इतना ही, यहां से सीधा आपको पता ही है कहां जाना है, इस ट्रैक पे।